निकल पड़ा बाइक लेके लंदन के लिए। एडवेंचर मतलब एक थिन लाइन रहती है, अगर उसमें से आप चल रहे हो तो एक गलत कदम और आपकी सल्तनत खत्म। मैं दिन भर राइड करता था, रात को 2 घंटे बैठता था, फुल डे राइड करता था और रात को 11 बजे 12 बजे कभी कभी 1:30 बजे मैंने राइड किया। और एक दिन मैंने 26 आवर्स राइड किया है। शायद आपको ये मीडिया बताई कि नहीं, 7 अक्टूबर को इसराइल और हमास का वॉर शुरू हुआ। हमास ने सुबह सुबह 5000 रॉकेट इसराइल पे डाले थे, उसमें से एक रॉकेट उड़ के मेरे प्लांट पे आके गिरा था। 2 लोग थे, उनके पास बहुत सारे वेपन्स थे, साफ कर रहे थे, अंदर रख रहे थे। पहले सोचा कि इंटरेक्शन कर लेते, बाइक पे बैठा और बोला चलो एक सेल्फी हो जाए डर डर के। उसमें से एक बंदा उठ के गाड़ी में गया और एक लंबी चौड़ी राइफल लेके आया। मेरे चेहरे के रंग उड़ गए, मैं डर गया, अपने बच्चे की जान लोगे क्या यार, ऐसा क्या कर रहे हो तू। ये मतलब पाकिस्तान बीच में आता है और पाकिस्तान इंडियन पासपोर्ट होल्डर को और इंडियन रजिस्टर्ड व्हीकल को परमिशन नहीं देता। जन आया था, इंडिया पाकिस्तान मैच हुई थी अहमदाबाद में और वो स्टेडियम की कैपेसिटी थी 1 लाख। 3 पाकिस्तानी लोगों को वीजा मिला था, तो उन्होंने मुझे बताया कि इंडियन गवर्नमेंट ने 99% वीजा रिजेक्ट कर रही है, तो हम भी आपका वीजा रिजेक्ट कर रहे हैं और कोई चांसेस नहीं है। हाईवे था, मैं झांझन से ताबरी जा रहा था, दोपहर के 1:30 बजे थे, टेम्परेचर 42 था, समवेयर मिडल ऑफ द रोड, बाइक बंद हो गई। यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन 1993 में है और इंडियन आरटीओ 47 में है। वो भी शौक हो गया कि यार हमारा लोगो यूज कर रहे हैं, मैं शौक हो गया कि यूरोपियन यूनियन और इंडियन आरटीओ का लोगो सेम है। 128 डेज, 27 कंट्रीज, 2 कॉन्टिनेंट्स, 29,000 किलोमीटर। नाम तो पता होगा अभी, योगेश अलेगरी, राइडर हूँ, पैशनेट बाइकर हूँ। तो ऐसे ही घूमते घूमते 28 स्टेट अपने भारत के हो गए, बीच में नेपाल हुआ, भूटान भी हो चुका और फिर थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये भी बाइक पे गया। ऑफकोर्स वो रेंटेड बाइक थी और समय आ गया था अपना सपना पूरा करने का, जो था मुंबई, लंदन मुंबई। एक्चुअली उसका एक थीम बता देता हूँ मैं आपको, ये जो मैप दिख रहा है। और एक दिमाग में सपना आया था, मैं मेरा बाइक लेके जो एशिया यूरोपियन कॉन्टिनेंट है उसमें से ज़्यादा लैंड सेंड पॉइंट पे कहा जा सकता हो। तो मेरे सामने ये 2 पॉइंट थे, जापान और वेल्स। तो डिसाइड किया जापान इतना हैपनिंग नहीं लगेगा, बस चाइना क्रॉस करते करते 2 महीने लग जाएंगे, तो मैंने डिसाइड किया चलो वेल्स जाते हैं, इसमें मज़ा आ रहा है। तो फिर डिसाइड किया मुंबई लंदन और फिर निकल पड़ा मैं। 4 साल की मेहनत, लॉट ऑफ पेपर वर्क, स्टडी, R&D, रिसर्च, लोगों के एक्सपीरियंसेस, ब्लॉग, वो सब पढ़ लिए और निकल पड़ा बाइक लेके लंदन के लिए। और ये रहा मेरा रूट। और ये रूट देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी भी बात हो चुकी थी वही, ये प्लान था मुंबई से लंदन। और 4 साल की प्रिपरेशन, स्टडी, R&D या फिर वीज़ा, जो कुछ था वो यही था, मुंबई से लंदन जाना है, फिर लंदन से बाइक शिफ्ट करनी है, वापस आना है फ्लाइट से, जो कुछ है वो। और उसके लिए मैंने डिसाइड किया था 100 डेज, 24 कंट्रीज एंड 25,000 किलोमीटर और समथिंग जो था वो। और मैं ग्रीस में पहुंचा और मुझे फील हुआ यार देयर आर लॉट ऑफ फन ऑन द रोड, लोग मिल रहे, बहुत मज़ा आ रहा है और ये 100 डे में ख़त्म करेंगे तो फिर क्या होगा, मज़ा ख़त्म होगा। तो 2 दिन में मैंने डिसाइड किया कि ये जर्नी वापस मुंबई तक जानी है। कैसे जाएंगे कुछ पता नहीं, रूट क्या करना है कुछ पता नहीं। मैं दिन भर राइड करता था, रात को 2 घंटे बैठता था। और हाँ, एक बात ये, यूरोप वीज़ा लिमिटेड था और बहुत सारे कंट्रीज थे, तो मैं फुल डे राइड करता था और रात को 11 बजे 12 बजे कभी कभी 1:30 बजे मैंने राइड किया। और एक दिन मैंने 26 आवर्स राइड किया है। तो फिर प्लान किया मैंने मुंबई लंदन, ये तो चल रहा था, और 2 दिन में प्लान किया मैंने अब वापस मैं मुंबई भी जाऊंगा। और रूट मेरा डिसाइड था वहाँ से मुंबई लंदन, फिर यूरोपियन कंट्रीज जो डिफरेंट थे, और फिर टर्की आना है, टर्की से इजिप्ट, और इजिप्ट से इसराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, कतार, बहरीन, ओमान और दुबई, और दुबई से फ्लाई। दुबई से फ्लाई इसलिए क्योंकि पाकिस्तान बीच में आता है और पाकिस्तान इंडियन पासपोर्ट होल्डर को और इंडियन रजिस्टर्ड व्हीकल को परमिशन नहीं देता, तो मुझे फ्लाई करना था। तो ये रहा मेरा रूट, इंडिया से मैं फ्लाई किया, ईरान, टर्की, ग्रीस, नॉर्थ मैसेडोनो, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, देन UK, फिर अगेन मैं फ्रांस में आया। और इस ट्रिप में 27 कंट्री के साथ साथ 4 कंट्री रिपीट भी हो चुकी है। और फिर फ्रांस से मैं बेल्जियम गया, फिर वहाँ से जर्मनी, फिर ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बाद मैं स्लोवाकिया गया, फिर रोमानिया, हंगेरी, सर्बिया और बुल्गारिया। और बुल्गारिया में मैं फर्स्ट इंडियन हूँ जो विदाउट वीज़ा ट्रांजिट वीज़ा लेके गया, और वो 6 घंटे की रिक्वेस्ट करके, आपने वो शायद वीडियो देखा होगा, मैं 5 बजे बॉर्डर गया था और रात को 11:30 बजे उन्होंने मुझे स्टैम्प दे के अलाउ किया। और वो एक्सक्यूज़ ऐसा था कि वहाँ पे कोई मतलब वीज़ा की कोई अरेंजमेंट नहीं थी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था मुझे बस ट्रांजिट दे दो 12 आवर्स के लिए। और कंटिन्यू पेशेंस और रिक्वेस्ट कन्विंस करके मैंने 11:30 बजे स्टैम्प ले लिया पासपोर्ट पे, और आई थिंक फर्स्ट इंडियन है
वो बुल्गारिया में विदाउट वीज़ा एंट्री किया, तो फिर बुल्गारिया, फिर टर्की, अगेन टर्की, टर्की के बाद मैं जॉर्जिया गया। जॉर्जिया के तो किसे आपको पता ही होगा, जो एग्जिट कर रहा था मेरे पास बुलेट थी और इंट्रोगेशन हो चुका था वो। और फिर आर्मेनिया, ईरान, ईरान के बाद मैं दुबई गया, दुबई से बहरीन और फिर फ्लाई करके वापस कोचीन आया। ये तो ये मेरा रूट था। फ्लैग ऑफ एक छोटा सा एक सेरेमनी हुआ था, तब शायद पता नहीं था योगेश वाले कौन है, कहा है, किस कहा जा रहा, किसी को पता नहीं था, कुछ दोस्तों को पता था। पाकिस्तान की जो मैंने आपको बताया, पाकिस्तान परमिशन नहीं देता, उसके पीछे कुछ रीजंस है। उन्होंने मेरे उनकी ज़मीन यूज़ करने नहीं दी, तो मेरी बाइक मैंने फ्लाइट में डाल दी और उसका एयरफील्ड, पाकिस्तान का एयरफील्ड यूज़ करके मैं पहुँच गया ईरान में और मैंने जर्नी स्टार्ट कर दी वहाँ पे। तो ईरान में बहुत मज़ा आया मुझे। ईरान के इस सब जर्नी में आप लोग, सब लोग पूछते लोग कैसे थे, मतलब एक्सपीरियंस कैसे, कौन सी कंट्री अच्छी है, तो इसमें ईरान के लोग सबसे बढ़िया, हम्बल, प्यारे, लवली। और ईरान का गवर्नमेंट सबसे डिफिकल्ट लगा मुझे, सिस्टम डिफिकल्ट लगा। तो एक दिन ऐसा हुआ था, ईरान का फ्यूल बहुत प्रॉब्लम करता था, डेंसिटी उसकी बहुत कम थी। बाइक मेरी पहले दो दिन बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। मैंने प्लग चेक किया, फ्यूज़ चेक किए, इग्निशन वायर चेक किया, सब चेक किया, बैटरी चेक किया, दो दिन मेरा प्रॉब्लम चल रहा था। तीसरे दिन मुझे रियलाइज हुआ ये फ्यूल का प्रॉब्लम है। जब मेरी बाइक ओवर हीट होती है तब, तो ये जो फोटो दिख रहा है, ये ट्राई चल रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या है। और ये वाला टेरेन है, एक दिन मैं दूसरे दिन में एक बार फंस गया था, किधर गया उसका फोटो नहीं चाहिए। तो एक स्टोरी हुई, हाईवे था, मैं जानजन से ताबरीज जा रहा था और समवेयर मिडल ऑफ द रोड बाइक बंद हो गई। दोपहर के 1:30 बजे थे, टेम्परेचर 42 था, ह्यूमिड बहुत ही कम था, हाईवे था, कोई नहीं रुक रहा था। मैं ट्राई कर रहा था क्या करूँ, मुझे बस चाहिए थी बाइक कूल डाउन करनी है। और हिमालयन, आपको पता है ओवर हीटिंग होती है, हिमालयन का प्रॉब्लम ही है ओवर हीटिंग का। और जैसे ओवर हीटिंग होती थी बाइक बंद हो जाती थी, क्योंकि वो फ्यूल उसमें इथेनॉल ज़्यादा था। एक बंदा रुका, उसको पर्शिया, उसको इंग्लिश का ये पता नहीं, मुझे पर्शिया का भी पता नहीं था, कुछ कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा था। हम लोग 2 घंटे कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, हमें दोनों की लैंग्वेज आती नहीं थी, उसको हेल्प करनी थी और मैं बोल रहा था कि भाई मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मुझे कुछ शेल्टर चाहिए जहाँ मेरी बाइक खड़ी करूँ और मुझे थोड़ी ठंडी करनी है। उसको लग रहा था मैं हेल्प मांग रहा हूँ। समझाते समझाते मेरे पसीने छूट गए कि भाई तुम जाओ, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, कुछ कर नहीं सकते। वो मानने को तैयार नहीं, उसको हेल्प ही करनी थी, क्योंकि वो ईरानी लोगों का नेचर है भाई, इसको पकड़े, इसको हेल्प करके ही छोड़ेंगे। तो फिर मैंने जब पसीना पहुँचने के लिए मेरा टॉवेल निकाला, तब मुझे आइडिया है, मेरी ट्यूब चली, मैंने वो टॉवेल मेरी बाइक पे पकड़ी, ऐसा बोला मुझे ये चाहिए, इसकी ज़रूरत है, छाव चाहिए मुझे। और वो कहाँ मिलेगी, अपने यहाँ पे इतने सारे पेड़ है, जंगल है। उस दिन मैं एक पेड़ के लिए तरस रहा था, क्योंकि ईरान में जो रेस्टोरेंट्स है उनके पीछे कोई शेल्टर नहीं होता, बस अंदर लोग बैठते, सबके व्हीकल्स ऐसे धूप में खड़े रहते, और धूप में खड़ी रहेगी तो मेरी बाइक ठंडी नहीं होगी, तो मुझे चाहिए थी छाव। वो बोला यार, उसकी आँखों में चमक देखी मैंने, वो बोला मुझे पता है एक जगह पे झाड़ है, एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे, एक ट्री है, मुझे पता है। मतलब एक पेड़ के लिए मैं तरस रहा था, वो इतना खुश हुआ कि मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ। फिर रस्सी निकाली, टो करके रेस्टोरेंट गए, फिर 2 घंटा ठंडी गए और काम निकल गया। बट एक पेड़ की अहमियत ईरान में, सऊदी में अब जाओगे तो पता चलेगी क्या होती है। तो ऐसी स्टोरी होती रहती थी। और ये ईरान के लोग तो बोलो मैंने आपको, सबसे ज़्यादा प्यार, ऐसे लोग मैं खड़े रहता, कोई भी घर पर उठा के लेके जाता था, ये फैमिली जो कोई, इनको किसी को इंग्लिश पता नहीं थी। चलो बोले, मैं बोला चलो फिर कहाँ जाना है, घर जाना है, चलो क्या करना है, खाना खाना है, खाते। फिर ऐसा चल रहा था, इन्होंने बहुत बढ़िया मेरे लिए खाना बनाया दोपहर को ये, और मस्त बट खाया मुझे। मैंने उनको बोला भी यार मेरा घर के ऐसा लग रहा है मैं घर पे बैठा हूँ मेरे, और सब लोग बैठ के खाना खाते, क्योंकि तब तक मैं यूरोप में टेबल पे बैठ के खाना खा रहा था, तो एक कनेक्शन नहीं बनता है टेबल पे जब बैठते हम लोग डाइनिंग पे। तो वो मुझे तब फील हुआ कि यार टेबल पे कनेक्शन नहीं बन रहा था, मैं ये बैठ के खाना खा रहा हूँ तो लोगों से कनेक्शन बन रहा है, मज़ा आ रहा है, जैसे घर वाली फीलिंग आ रही है। तो मुझे उसी टाइम रियलाइज़ हो गया। तो ये था ईरान के किस्से। और एक और चीज़ हुई थी, अभी जर्नी बहुत बढ़िया, तो मैं कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स लेके आता हूँ। मैं स्विट्ज़रलैंड गया और फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने होस्ट किया था, वो महाराष्ट्र फैमिली थी, माया देशपांडे और ज्ञानेश देशपांडे। और मैं रात को गया, बहुत बढ़िया मराठी खाना था, महाराष्ट्रियन फूड था, और खाते खाते गप्पा मारायला मराठीमधून, मस्त तोंडी लावायला भाषेमध्ये, म्हणजे असं मराठीमध्ये खूप मस्त सुंदर बोलायला मिळालं, हीच माझ्यासाठी मेजवानी होती। पुढा सेकंडरी पार्ट होता, खूप मजा आली, महाराष्ट्राची लोकं मला भेटली स्विट्झरलँडमध्ये। आणि स्विट्झरलँडमध्ये एंट्री करताना, स्विट्झरलँड हा युरोपियन युनियनचा देश नाही आहे, शेंगेनमध्ये आहे, तर तिथे जर त्या बॉर्डरला थोडं चेकिंग होतं,
युरोपियन युनियनच्या व्हेकल्स अलाउड आहेत स्विझरलँडमध्ये. बाहेरचे असतील तर अलाउड आहे तिथे, फक्त की डॉक्युमेंट्स प्रॉपर चेक केलं जातं. आणि तुम्ही कधी एक गोष्ट नोटीस केली नसेल, ही आहे माझ्या गाडीची नंबर प्लेट INDI, और ये जो नंबर एक दिख रहा है ये युरोपियन के नंबर्स है, युरोपियन व्हीकल्स है उसके ये नंबर है. PL पोलैंड है, D मीन्स डचलैंड जर्मनी, और उसके ऊपर जो स्टार दिख रहे हैं वो सेम इंडिया के नंबर पे भी है, बस कलर चेंज है. तो बॉर्डर पे उन्होंने, उनको लगा यूरोपियन की गाड़ी है तो छोड़ दिया, जैसे जाने दिया. और बाद में उन्होंने नोटिस किया कि INDI ये कौन सा मेंबर हो गया, यूरोपियन यूनियन में ये नया मेंबर कौन आ गया, तो मुझे रोका दिया. फिर उन्होंने फिर मुझे पूछा विच कंट्री, बोला इंडिया. तो बोला इंडिया, पासपोर्ट पूछा और बोला कि ये आप ये सिंबल क्यों यूज़ कर रहे हो. मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला ये यूरोपियन यूनियन का सिंबल है, INDI कैसे बीच में आया. एक्चुअली वो शॉक हो गया क्योंकि यूरोपियन यूनियन में चार ही कंट्रीज है, उनके थ्री इनिशियल लेटर्स नंबर प्लेट लेते हैं, जो आयरलैंड है, बोस्निया हर्जेगोविना है और इस्टोनिया है और फिनलैंड है. चार ही कंट्रीज है जिनके थ्री लेटर्स नंबर प्लेट पे आते हैं, बाकी सब सिंगल और टू डिजिट्स है, सॉरी टू लेटर्स है, जैसे PL हो, DO. तो ये शौक हो गया कि ये थ्री लेटर्स वाली इन नई कंट्री कौन शामिल हो गई. तो उन्होंने मुझे पूछा ये आप यूज़ क्यों कर रहे हो. मैंने पूछा यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन, मतलब वो कम्फर्टेबली कॉन्वर्सेशन चल रहा था, 1993 में है और इंडियन RTO 47 में है. तो मतलब ये ऐसा कुछ अरोगेंटली बात नहीं थी, एक मजाक में बात चल रहा था. वो भी शौक हो गया कि यार हमारा लोगो यूज़ कर रहे हैं, मैं शौक हो गया कि यूरोपियन यूनियन और इंडियन RTO का लोगो सेम है. तो ये ऐसे किसे बनते रहे थे. ये महाराष्ट्रियन फूड और ये फैमिली, बहुत मज़ा आया मुझे. फिर लंदन पहुंचा, जो मेरा टारगेट था, मुंबई लंदन. लंदन में बहुत सारे लोग मिले, वहाँ पे इंडियन हाई कमिश्नर ने मुझे कुछ बैज ऑफ ऑनर करके अवार्ड दिया था, और गणपति फेस्टिवल मैंने सेलिब्रेट किया लंदन में, और नवरात्रि सेलिब्रेट किया मैंने इस साल जॉर्जिया में. लंदन में बहुत मज़ा आया मुझे, और जैसे मुझे अच्छे लोग मिले वैसे ही कुछ ख़राब लोग भी मिले, बट ऐसा मज़ा किया स्वभाव में, रमला नेचर अच्छा है तो मजाक में सब निपट लेते. तो उसका एक स्टोरी बता देता हूँ. मैं टर्की में था, और दुनिया के बहुत कुछ ऐसे रोड है, डेंजरस रोड बोलते हैं, एक वेबसाइट है dangerousroads.org. तो वो वेबसाइट पे मुझे कुछ डेटा मिला था, उसमें एक रोड था डार्क कैनन, उसको डार्क कैनन बोल सकते हैं या फिर स्टोन रोड भी बोलते हैं, वो टर्की में है, बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पे जाना था मुझे, और वो बहुत ही आउटसाइड था, सदर्न पार्ट ऑफ टर्की में था. तो मैं निकल पड़ा और 300 किलोमीटर मुझे एक्स्ट्रा करना था वो रोड के लिए, और उसके लिए मुझे एक 200 किलोमीटर का माउंटेन और टेरेन था, एक प्लेटू था, कुछ रेस्टोरेंट नहीं था, ये पेट्रोल पंप नहीं था, गैस स्टेशन नहीं था, और सिंगल रोड था, जस्ट 10 फीट का रोड, सिंगल लेन. मैं निकल पड़ा, 5 बजे मेरा टाइम रहता था पावर नैप का, मैं एक जगह सो गया. यूरोपियन कंट्रीज़ में या फिर एशियन कंट्रीज़ में पानी रहता है रोड के बाजू में, एक जगह पर रहते हैं पानी के अरेंजमेंट, एक बेंच रहता है और पार्किंग के लिए स्पेस रहता है जो लोग आ जाए. तो वहाँ पे एक बेंच देखा, मैं सो गया, बलकलवा कैप थी तो मैंने सर पे ले ली आँखों पे कि मुझे नींद अच्छी से आ जाए, मैं थोड़ा एंजॉय करूँ नींद. मैं सो गया, एक वैन आई, मैं सेंस कर रहा था बाजू से, मुझे पता चला एक वैन आ गई, मैं इग्नोर किया, जाने दो. फिर उसमें से कुछ लोग उतरे, वो भी मुझे फील हो रहा है कि लोग उतरे, इधर उधर चल रहे हैं उनका, इग्नोर कर लिया मैंने. फिर कुछ मेटल का आवाज़ आया, इक्विपमेंट्स टूल किट वाला जैसा आवाज़ आया मुझे. तो मुझे लगा ये टूल किट होगा, ब्रेकडाउन होगी, लोग टायर निकाल रहे होंगे, वो भी इग्नोर किया. फिर आ गई मुझे आवाज़ कुत्तों की पानी पीने की, दो कुत्ते पानी पी रहे थे, आवाज़ आई. तो मेरी क्यूरियोसिटी अंदर हाई लेवल पे चली गई, और ये क्या चल रहा है आजू बाजू में, चलो देख लेते. तो मैंने मेरा कैप निकाल लिया नीचे और देखा, तो मेरे सामने का सीन मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ. मैं बैठा, मतलब ऐसा शॉक हो गया, एक साइड पे वैन खड़ी है, विंगर जैसी कुछ टर्किश वैन थी, उसमें से लोग कुछ उतरे थे, मेरे पीछे दो तीन लोग थे, वो एक जानवर काट रहे थे, उनका चल रहा था, उसके खाल निकालना, वो सब काट छाट चल रहा था. एक बंदा था वो दोनों कुत्तों को पानी पिला के उसको कुछ अरेंजमेंट कर रहा था. दो लोग थे, उनका शायद वो शूटर होंगे, वो मेरी बाइक के भी जो लगे थे टारगेट सब था, स्टिकर्स थे, टाइटल्स थे, वो गूगल ट्रांसलेटर में डाल के चेक कर रहे थे कि इसमें क्या लिखा है, इंग्लिश तो आती नहीं थी. वो उनका क्यूरियोसिटी बाइक के बाजू में देख रहे थे, डाल के चेक कर रहे थे, अच्छा मुंबई टू लंदन उनके लैंग्वेज में. और दो लोग थे, वो उनके पास वो बहुत सारे वेपन्स थे, शॉट थी, नाइफ्स थे, राइफल थे, रिवॉल्वर थे, वो सब साफ कर रहे थे, अंदर रख रहे थे,
उनका कुछ अरेंजमेंट चल रहा था, तो मैंने ऐसे देखा भाई ये क्या चल रहा है, सही इधर ये चल रहा है, यहाँ पे कुत्ते खड़े, यहाँ पे वो मेरी गाड़ी को ताड़ रहे, यहाँ पे काट रहे लोग, ये हथियार संभाल रहा है। तो मैं बोला, पहले सोचा कि चलो अभी इंटरेक्शन कर लेते हैं, किसी से बात करते तो पता चले कि आज एक शिकार होने वाले या दो होने वाले हैं। तो मैं गया बोलने के लिए, तो सामने से ग्रीट किया उन्होंने उनके लैंग्वेज में, मैंने हाय हेलो बोल दिया, फिर क्वेश्चन आंसर हो गए, बातें बातें चल रही थी इधर उधर की, तो थोड़ा कंफर्टनेस आ गया क्योंकि क्वेश्चन आंसर देख रहे थे। तो उन्होंने मुझे पूछा ऑफकोर्स ट्रांसलेटर के हिसाब से, और उसके पहले मैं कभी है ना, वो कुछ बोल रहे थे मैं कुछ बोलते देता था अपनी लैंग्वेज में, मुझे पता था कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, बस टाइम पास वाला चार्ट चल रहा है, तो मैं ट्रांसलेट वाला बस लास्ट में यूज़ करता था जब इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उस टाइम मैंने ये रिस्क नहीं ली, उस टाइम मैंने पहले इमीडिएट मोबाइल चेक किया, नेटवर्क था, ट्रांसलेट लिया, और जो कुछ बोल रहे थे बोलो इसको बोलो मुझे समझ नहीं दो क्या चल रहा है। तो उन्होंने बोल दिया भाई कहाँ से आए हो, मतलब हिंदुस्तान, फिर चल रहा हो चैट, क्या जा रहे हो, क्या कर रहा हो, यहाँ पे क्यों आए, ये सब हो गया। और पूछा भाई अकेले है, मैंने बोला यस, फिर बोला डर नहीं लगता, तो इमीडिएट मोबाइल लिया मैंने और डाल दिया, अगर आप जैसे जेंटलमैन आजू बाजू में मिलेंगे तो डर किस बात का। तो ये देखा उन्होंने कन्वर्ट किया, ऐसे देखा यार उनके लैंग्वेज में, हंसने लगे, वो सार्केस्टिकली लिया कॉम्प्लीमेंट्री लिया मुझे पता नहीं, बट उन्होंने उनके लैंग्वेज में और दो को बताया कि ऐसा ऐसा बोल रहे, वो भी हंस ले खुश हो गए, मैंने नोटिस किया गया और खुश हो गए, थोड़ा कम्फर्ट आया। तो मतलब अभी पहली फुर्सत में निकलने का टाइम आ चुका है, ज़्यादा मुश्किलें नहीं बढ़ानी है। तो मैंने बाइक पे बैठा और बोला चलो एक सेल्फी हो जाए डर डर के, तो हो गए, बोला चलो ले लेते। उसमें से एक बंदा उठ के गाड़ी में गया और एक लंबी चौड़ी राइफल लेके आया, मुझे लगा मतलब मेरे चेहरे के रंग उड़ गए, अकेला का पड़ा था गलती कर दी, तो मैं डर गया। तो ये बोला भाई फोटो के लिए, बोला भाई बच्चे की जान लोगे क्या यार, ऐसा क्या कर रहे हो। तो फिर फोटो लिया और ये वाला तो वो सीन था, वो देखो पीछे वो काट छाट, वो जो राइफल वाला बंदा उसके पीछे दो लोग दिख रहे छोटे काट रहे वो कुछ जानवर, और जैसे आपको दिख रहा हो वही कुत्ता, इस साइड में कुत्ता एक, हाँ ये यहाँ पे कैमोफ्लेज हो चुका है, और ये सब ऐसे डरावने लोग थे, और इन्होंने सबसे लंबी वाली राइफल लेके आया जो उसके पास थी, बोला मजा आना चाहिए, वो भी था मेरी साइड लगे सब। तो फिर ये सब करने के बाद ये एडवेंचर हो गया, मतलब निकल लेते अभी यहाँ से, निकल गया और गया स्टोन रोड के लिए, वो तो भाई खतरनाक एडवेंचर था। ये रोड बनाने के लिए 122 साल लगे थे, 1980 में ये रोड स्टार्ट किया और 2002 में ये रोड का काम एंड हो गया और छोड़ दिया भाई। ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हो डार्क कैनन टर्की या फिर स्टोन रोड टर्की, आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे। ये रोड में 38 टनल से जस्ट 20 या 15 और 20 किलोमीटर्स में 38 टनल से, और बहुत ख़राब रास्ता था। और आपको पता होगा एडवेंचर मतलब एक थिन लाइन रहती है, जो एक रिस्क की थिन लाइन रहती है, अगर उसमें से आप चल रहे हो तो एक गलत कदम और आपकी सल्तनत ख़त्म। तो ये वाला ऐसा रोड रहता है, ये वाला वो रोड था, और ये आप दिख रहे छोटे छोटे टनल से, और वो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पे कोई आता नहीं था, कोई जाता नहीं था, कोई ये नहीं था यहाँ पे, क्योंकि वो रोड है ही नहीं, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं है एडवेंचर के लिए, वो कहीं जाता नहीं, आगे जाके ब्रिज कोलैप्स है और क्लोज हो जाता है, बस एडवेंचर के लिए बचा है। तो ये एक्सपीरियंस करने के लिए गया था, मज़ा आया एडवेंचर, इसका वीडियो शायद बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। टनल्स थे, कुछ सेफ्टी नहीं थी, कुछ GPS नहीं चल रहा था, नेटवर्क नहीं चल रहा था, बोला कि मेट्रो हो सकता है यहाँ पे कुछ मिस हो गया तो ये बहुत हार्मफुल होगा और ये आउट ऑफ कंट्रोल सिनेरियो हो जाएगा। तो मैंने स्किप ये मतलब हाफ डे उस पर कर दिया और निकल लिया, फिर आगे एर्जुरम जाना था, वो जो कि 300 किलोमीटर था मेरे से। ये रोड के बाद टर्की का एंड हो गया, फिर जॉर्जिया चला गया मैं, जॉर्जिया की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी, अभी टाइम अपने पास बहुत कम रहता है यहाँ पे, क्योंकि 128 डेज की स्टोरी चल रही है सब, तो कुछ गिने चुने स्टोरीज लेके आया था। जॉर्जिया की स्टोरी बहुत बढ़िया थी, सब हर एक कंट्री में मुझे अलग अलग एक्सपीरियंस दिए। दुबई आया, दुबई से एक्चुअली एक और चीज हुआ था, दुबई से मुझे आता 8 अक्टूबर को मैं सर्बिया पहुंच गया 8 अक्टूबर को, और मेरा प्लान वही था मुंबई सॉरी लंदन यूरोप टर्की फिर इजिप्ट मिडल गल्फ कंट्रीज एंड देन दुबई से फ्लाई करना था मुझे। 8 अक्टूबर को मैं सर्बिया पहुंचा, और 7 अक्टूबर को आपने सुना होगा इसराइल और हमास का वॉर शुरू हुआ, हमास ने सुबह सुबह 5000 रॉकेट इसराइल पर डाले थे, उसमें से एक रॉकेट उड़ के मेरे प्लान पर आके गिरा था, शायद आपको ये मीडिया बताई कि नहीं, तो बताने के लिए मैं आया हूँ। तो वो जैसे ही वॉर हो गया मेरा ये प्लान, मुझे लगा चाहे सब मिसहैप होने वाला है। 8 तारीख को मैं सर्बिया पहुँचा, वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था, वो RNW में है,
उसने बहुत सारे RNW के यूरोप के मिशन हैंडल किए थे, तो उसके पास बहुत सारी स्टोरीज थी, वो सुनने के लिए मैं उसके पास गया था। उसने बोला इसराइल के रास्ते मत जाना अभी वो बहुत लंबा चलेगा। तो मैंने बोला मैं जा रहा हूँ अभी ईरान होके। तो मेरे पास उस टाइम था कि इंडिया से मुझे पाकिस्तान की परमिशन नहीं मिली, तो अभी इसराइल का प्लान नहीं हो रहा है। इसराइल के वीज़ा के लिए मैंने 7 डेज इस्तांबुल में रखे थे, तो ये पाकिस्तान के लिए यूज़ करूँ क्या, मैंने मेरे दोस्त को पूछा। तो वो बोला मुझे तू कर रहा है, पाकिस्तान तो देगा नहीं पहली बात, अगर दिया तो ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि पर्सनल मैसेंजर ये वाली टर्म रहती है स्पाई में, अगर ये वाली केस लग गई तो ख़त्म, टाटा बाय बाय ख़त्म, ऐसा ही होएगा। मैंने बोला मतलब इसका एक्सप्लेन करो क्या है। तो एक चीज़ ऐसी थी, मैं इंडिविजुअल पर्सन एक बाइक लेके कहीं जा रहा हूँ और पाकिस्तान मुझे वीज़ा भी दे दिया, मैंने बहुत सारे इंडियन एम्बेसीज़ को विज़िट किया था। तो अगर किसी को लगा कि ये पर्सनल मैसेंजर है, मतलब यहाँ का मैसेज वहाँ भेज रहा है, अकेला इसलिए जा रहा है, इसके पास सब लीगल डॉक्यूमेंट है, वीज़ा ये है, बट पर्सनल मैसेंजर है जिसका कोई डेटा नहीं है, मतलब कोई ऑनलाइन मेल नहीं है, व्हाट्सअप नहीं, कुछ नहीं है, तो कोई प्रूव भी नहीं कर सकता कि ये नहीं है और कोई प्रूव नहीं कर सकता कि ये है। तो अगर किसी को सस्पेंस लगा तो उनका प्लस पॉइंट रहता है। तो ये मुझे उन्होंने टर्म बताई, मैंने बोला ठीक है मैं अवेयर रहूँगा बट ट्राई करता हूँ। इस्तांबुल से मुझे फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं, मुझे नहीं मिला, रिजेक्ट कर दिया, और रीज़न भी उसका बहुत बढ़िया दिया था, पाकिस्तान ने वीज़ा नहीं दिया मुझे। तो मैं फिर दुबई आया, मैं फेरी पे आया था बंदर अब्बास पोर्ट पे, बारिश आ गई 30 मिनट, सब फेरीज कैंसिल, मुझे बाइक वेसल में डालनी पड़ी। और डिसीजन ये ट्रिप में डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आप क्या डिसीजन ले रहे हो। तो मैंने इमीडिएट डिसीजन लिया, फेरी से जाएगी, सॉरी फेरी से नहीं वेसल से जाएगी, तो वेसल से भेजी। 5 दिन वेस्ट हो गए मेरे जस्ट 30 मिनट की बारिश से। फिर दुबई आया, फिर अब तक मेरा पॉकेट भी ख़त्म हो रहा था और मुझे IBW अटेंड कर रहा था। तो मैंने अगेन मेरी बाइक कोचिन वाली फ्लाइट में डाल दी और मैंने उड़ान भरी कोचिन के लिए। फिर कोचिन करते करते मैं यहाँ पे सब स्टोरीज बताने के लिए आपके पास आया हूँ। और अभी देखते कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स जो अभी स्लाइड आई थी, वो मुंबई लंदन मुंबई सोलो राइड 128 डेज 27 कंट्रीज 2 कॉन्टिनेंट्स 29,000 किलोमीटर 2 ईयर कार्गो फ्लाइट्स 1 वेसल कार्गो 1 पैसेंजर 2 पैसेंजर फेरीज 6 पैसेंजर फ्लाइट्स, क्योंकि कुछ कंट्री में बाइक अलाउड नहीं, तो मैं फ्लाई करके जाके एक्सप्लोर करके वापस आया, तो ये इसलिए पैसेंजर फ्लाइट्स का काउंट ज़्यादा है। फ्यूल इसके लिए मुझे लगा 1160 लीटर फ्यूल लगा, ऑयल 20 लीटर, इसके लिए मेरा हेड गैसकेट मेरा जल गया था, इसलिए मुझे टॉप अप कर रहा था, तो मेरा 20 लीटर इंजन ऑयल लगा, आई वॉज बर्निंग फ्यूल एज वेल एज ऑयल एट द सेम टाइम। और 0 टायर फ्लैट, ये मेरे ट्रिप की सबसे लकी और ब्लेस मोमेंट है कि 0 टायर फ्लैट, 1 चालान UK में लगा था, 1 पेयर ऑफ टायर, 4 पेयर ऑफ ब्रेक पैड्स, 1 क्लच वायर, 2 मोबाइल फोन, 2 मोबाइल फोन ने कुर्बानी दी है ये प्लान में और 12 SIM कार्ड्स मुझे लेने पड़े आज तक। और ओवरऑल एक्सपेंस वैसे बहुत हो चुका है, 20 to 25 lakhs के आसपास हो चुका है, क्योंकि मैंने 2 बार एयर कार्गो किया। और ये था मुंबई लंदन मुंबई, थैंक यू वेरी मच। अभी कुछ क्वेश्चंस है तो चैट कर लेते। आई एम अ मेंबर ऑफ रोटरी क्लब ऑफ पुणे सहवास। नेक्स्ट ट्रिप तो मेरा प्लान चल रहा है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो नए कॉन्टिनेंट नए स्टोरीज नए कंट्रीज लेके मैं आऊँगा जल्दी। एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए मुझे 1 साल लगा, अक्टूबर 2020 में मैंने स्टार्ट किया था और वो जाके जुलाई 2023 में कंप्लीट हो गया, तो ये 8 से 9 मंथ्स लगे मुझे कंप्लीट करने के लिए। पाकिस्तान का रास्ता तो आपने लिया नहीं ना, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल ट्रैवलर्स अगर इंडिया से जाना चाहेंगे तो पाकिस्तान का रूट कभी खुलेंगे? मिस्टर अब्रार तो आके गए इंडिया में, भले उनका जर्मन पासपोर्ट था, और मिस्टर अब्रार वायलेंस विद अब्रार, वो इंडिया आके गए हैं, आप हमारे अब्रार हैं, तो अगर हमारे पास अगर इंडियन पासपोर्ट है तो क्या ही कभी बाद में कभी हो सकता है कि हम पाकिस्तान के रास्ते हुए आपकी तरह इतना एयर फ्लाइट वगैरह ना करना पड़े हमें? इज देयर एन होप? ओके मैं बताता हूँ, अब्रार बहुत बढ़िया बंदा है, बट उसके पास जर्मन पासपोर्ट था और उन्होंने
पाकिस्तान वाली सिटीजनशिप हाइड कर रखी थी, इसलिए उनको फर्स्ट टाइम वीज़ा मिला था। सेकंड टाइम उन्होंने अप्लाई किया तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है। और एक और चीज़ ऐसी कि हालत अभी पहले जैसे नहीं है। मुझे रीज़न आया था, इंडिया पाकिस्तान मैच हुई थी अहमदाबाद में, और वो स्टेडियम की कैपेसिटी थी 1 लाख, और 3 पाकिस्तानी लोगों को वीज़ा मिला था। और उसका रीज़न था उनके पास US वीज़ा था, इसलिए उनको इंडियन वीज़ा मिला था 3। तो उन्होंने मुझे बताया कि इंडियन गवर्नमेंट ने 99% वीज़ा रिजेक्ट कर रही है, तो हम भी आपका वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं और कोई चांसेस नहीं है। तो और एक और रीज़न कि पाकिस्तान रास्ता नहीं दे रहा इसके लिए, 1971 के पहले पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश अभी है वो ईस्ट पाकिस्तान था, तो उन्होंने लाहौर से ढाका के लिए एक रूट मांगा था इंडियन टेरिटरी में, तो इंडिया ने डिनाई कर दिया। तो तब से पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि इंडियन व्हीकल्स पाकिस्तान के रास्ते पर नहीं चलेंगे और पाकिस्तानी व्हीकल्स इंडियन रास्ते पर नहीं चलेंगे। तो अगर आपके पास पाकिस्तानी इंडियन पासपोर्ट है और इंडियन रजिस्टर्ड व्हीकल है, ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है गवर्नमेंट लेवल पर जाके। कुछ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आपको पाकिस्तान की एंट्री मिल जाएगी। अगर मिलेगी तो 20-40 हज़ार रुपये में पाकिस्तान क्रॉस कर सकते हैं, जो कि मैंने 6 लाख स्पेंड कर दिए शिपिंग में। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली चलान मेरा टॉप बॉक्स और मेरी बाइक लेंदी है और टॉप बॉक्स था, तो थोड़ा मैंने जो फ्रंट व्हील था वो फुटपाथ पे था पार्किंग में, तो फुटपाथ पे टायर है इसलिए मुझे चलान काटा था। एक्चुअली वो लीगली चलान ही है और उसकी कॉस्ट थी 13,500 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में। तो ये मेरे जैसे बजट ट्रैवलर के बहुत बड़ी अमाउंट थी, तो मैंने बोला कि ठीक है वो आप इंडिया भेजो, तब तक मेरे पास और पैसे आएगा, मैं कमाऊंगा, मेरे वेल सेट होगी सेटलमेंट, तो मैं पे कर सकता हूँ। अभी मेरी इतनी हालत है नहीं, तो मैंने वो पे नहीं किया, सॉरी। मैं वेट करो, आएगा, मैं भरूंगा कभी ना कभी, तब तक मेरे पास पैसे भी आएंगे। मेरा सवाल रूट के ऊपर ही है। जो आप एयर फ्राइट ले रहे थे, वाई कुडंट यू कंसिडर गोइंग वाया चाइना? क्या ये ऑप्शन भी नहीं था आपके पास? चाइना एंड गो वाया मे बी अफगानिस्तान आजकल शायद बहुत फ्रेंडली है रोड ट्रैवलर्स के लिए। गुड क्वेश्चन। तो चाइना मे बी कहीं से झटके से आप चाइना एंटर करते और शॉर्टेस्ट रूट से शायद अफगानिस्तान क्रॉसिंग पे पहुंच जाते। आई एम नॉट श्योर, बट जस्ट मेकिंग अ गेस। गुड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली मैं जब स्टार्ट कर रहा था तब भारत के सब बॉर्डर्स क्लोज थे। अटारी बॉर्डर, नेपाल से चाइना वाली बॉर्डर हो, म्यांमार के बॉर्डर तो अभी भी क्लोज है और वो 24 तक खुलेगी नहीं। चाइना बॉर्डर भी क्लोज ही थी, अभी खुली है। और चाइना का एक बात है, वो चाइना में एस्कॉर्ट लगता है और एस्कॉर्ट की कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। फिर चाइना से मंगोलिया ये करते करते अब ईरान पहुंचने के लिए फिर 1-1.5 महीना लग जाता है। और उस टाइम तो ओपन था ही नहीं, मेरा वो कुछ प्लान नहीं था चाइना जाने के लिए। अगर ओपन था तो भी नहीं जाता, क्योंकि मुझे वहाँ पर इतना दिन स्पेंड नहीं करना था एस्कॉर्ट के साथ, मुझे अकेली ट्रैवल करनी थी, तो वो रूट नहीं ले। अभी खुला है शायद वो रूट। और अफगानिस्तान डायरेक्टली कनेक्टेड है नहीं है वो, फिर काशगर बॉर्डर से कजाकिस्तान जाना पड़ता है, किर्गिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान और फिर जाके अफगानिस्तान, फिर ईरान। जस्ट वांट टू नो व्हाट टायर्स यू यूज, बिकॉज यू डोंट हैव एनी टायर फ्लैट राइट थ्रू आउट योर जर्नी, बिकॉज आई जस्ट वांट टू नो एंड गेट द सेम टायर्स फॉर माय हिमालयन आल्सो। व्हाट टायर्स यू यूज? एक्चुअली मेरे पास पहले जो टायर थे वो CET के थे, वो भी यूज़ किए थे, फिर हमारे टायर किए थे। और ये जर्नी के लिए मैं टायर पे बहुत रिसर्च था, क्योंकि मुझे टायर साथ में कैरी नहीं करने थे, मेरे पास ऑलरेडी लगेज था। तो मेरे पास पहले जो टायर थे उसका काउंट किया मैंने, कितने चले हैं इसके कितना है, तो ये मेरे बजट में आ गया था। बजट मतलब किलोमीटर्स में कितना चल रहा है, तो सेम टायर मैंने लगवा दिए, तो टायर अभी भी अच्छे हैं और फ्लैट नहीं हुई। मैंने ऑफ रोड किया, बहुत ख़राब रास्ते पर राइड किए, बट कुछ वो नहीं। और मैं रेडी था, एक्चुअली मेरे पास ट्यूब था, मेरे पास एक ये भी, अगर टायर फ्लैट हो जाता तो हुआ नहीं, अच्छी बात है। उसके लिए मेरे पास टायर इन्फ्लेटर था, मेरे पास ट्यूब थी, मैं टायर खोल सकता हूँ, दोनों लगा सकता हूँ। तो जैसे ही पंक्चर होती है मेरे पास एक्स्ट्रा ट्यूब है, ट्यूब डाल के कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे जो पंक्चर वाली ट्यूब है वो रिपेयर करके बैकअप में रखता हूँ मैं। बट ये जर्नी में मुझे और कुछ काम कर थे तो ये काम करने का मौका नहीं मिला। आम्ही बरेच बारीक बाइकर्स बघतो जे छोटे मोटे राइड्स करतात आणि एखादा ब्रँड घेऊन फिरतात, म्हणजे फंडिंग रिलेटेड स्पॉन्सरशिप। तुमच्या बाईकवर कुठला ब्रँड दिसत नाही आहे, तर त्याबद्दल थोडंसं सांगा। आणि एखादा ब्रँडने तुम्हाला ॲप्रोच केला तर काय प्रतिक्रिया असेल? गुड क्वेश्चन। ब्रँड मेरे बाईक पे कुछ नाही आहे, क्योंकि मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। जब मैं अप्रोच कर रहा था तो मुझे ऐसे ऐसे आंसर आए थे कि बोला कि ऐसी बात हो नहीं सकती, अकेला कोई लंडन जा नहीं सकता। कुछ लोग बोले कि भाई तुझे पता नहीं लंडन है का, इसलिए तू बोल रहा है, जब पता चलेगा तो कैंसिल कर देगा। ये भी मैंने आंसर सुने हैं। तो उस टाइम पे अभी भी कोई गया नहीं सोलो,
और कोई ग्रुप, तो मुझे कुछ ब्रांड नहीं मिले थे तो मैंने भी छोड़ दिया, मुझे टाइम नहीं था, मैंने 2 महीने ट्राई किया। और आगे अगर कुछ ब्रांड अप्रोच कर रहे तो ऑलवेज वेलकम, पैसा तो इम्पोर्टेंट है, जेब से मैं कितना डालूँ, जो था वो खत्म हो गया। तो अगर कोई किसी के पास ब्रांड है वो लेके आओ, फिर घूमेंगे फिरेंगे मैश करेंगे और क्या। आपका सामान का भी चोरी नहीं हुआ क्या? सामान एक बार चोरी हुआ था, एक बार ट्राई हुआ था, और जेंटलमैन चोर था, उसने कुछ उसके काम का नहीं था, सब गाड़ी पे छोड़ के चला गया। और बुल्गारिया में, बुल्गारिया चोर कंट्री है, मैं ओपनली कर सकता हूँ, चोर कंट्री है ही वो। मेरा चटनी भी चोरी हो गया यार, मतलब यार टूल किट है, स्पेयर पार्ट है, ठीक है उसका कुछ पैसा आ जाएगा, मेरा चटनी चोरी हो गया, मेरा पीनट बटर चोरी हो गया। तो बुल्गारिया में मेरा चोरी हो गया, 6-7 हज़ार रुपये का सामान था वो गया। फिर मैंने स्टोरी डाल दी, इस्तांबुल कोई आ रहा है तो आ जाओ, मुझे कुछ सामान लेके आना है, तो मुझे इमीडिएट मिल गए, जो स्पेयर पार्ट्स थे, क्लच प्लेट्स थे, असेंबली थी, वो मुझे मिल गई, मैंने रिफिल किया। इतना बड़े बड़े राइड में छोटी छोटी चोरियाँ होती रहती है। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच योगेश, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर, थैंक यू वेरी मच। ओके योगेश, वी हैव अ स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम गल्फ, थैंक यू सो मच। Thank you. A big round of applause to Yogesh. A big feat nonetheless.